हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द CS स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार जो है CS क्लियर किया है अपना एग्जामिनेशन, और जिन लोगों ने अपने ग्रुप क्लियर किए हुए हैं उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। और उन लोगों का आगे आने वाली जो आपकी लाइफ होने वाली है वो बड़ी ही डिफरेंट होने वाली है। अभी क्या है कि ये जो सेशन मैंने लिया हुआ है बेसिकली, एक सेकंड, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर लेने देते हैं पहले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कृति, थैंक यू, यू आर वेलकम बेटा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अपने एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए। अभी क्या है कि आज का दिन बड़ा ही टेंस्ड होता है CS स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और कई सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, कई सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, जिस वजह से ये लाइव सेशन मैं ले रहा हूँ। बिकॉज सबके कॉल्स और मैसेज का रिस्पांस मैं नहीं कर पा रहा था, बिकॉज सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, बिकॉज रिजल्ट्स के दिन या तो किसी का होता है या तो किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लिए, और धीरे धीरे जो लोग बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे थे आप लोग मुझे डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हो कि आपको समस्या क्या हो रही है। अभी रिज़ल्ट तो आ चुका है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, और जिनका निकल गया है उनके लिए तो आज का दिन समझ लीजिए एकदम मतलब दैट विल नॉट बी अ कंपेरेबल डे, किसी भी दिन से बहुत बेहतर दिन होगा। इन्जॉय करिए और खूब खुश रहिए, और आने वाले वक्त में अपने कैरियर को ग्रो करिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स पूछिए, समस्या क्या हो रही है, तो ग्रुप निकला है नहीं, अब क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। तो डेफिनेटली मैं आया इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ों को बता सकूँ और थोड़ा सा काम डाउन कर सकूँ। बिकॉज आज के आज जो रिज़ल्ट के दिन जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्योंकि हम सब ने भी ये सारी चीज़ें फेस करी हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाली होती हैं। इसीलिए मैं आज ऑन द स्पॉट आया हूँ ताकि आप लोगों के थोड़े से जो दुख दर्द हैं उनको थोड़ा सा कम कर सकूँ, और एक्चुअल में सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग रहो लाइन पे, मैं सबके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करूँगा धीरे धीरे, शायद आप लोगों की एक दूसरे की हेल्प हो जाए। और बाकी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन जिन्होंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया है आयुषी का, आयुषी मातल, सर मेरा सर 2 मार्क्स से अटेम्प्ट रुक गया। आयुषी, मैं बोथ ग्रुप दूँ एग्जीक्यूटिव का या एक करेक्ट जिन जैसे कि अभी आयुषी का एक क्वेश्चन है, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि देखिए सर अभी क्या है कि बहुत जिन बच्चों का बहुत करीबी नंबर से जब पेपर्स रुकते हैं स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्स में 2, 5, 10, 15, 16, 20 नंबर, मतलब आप 10 से 15 नंबर के बीच में अगर आपका CS में कोई भी ग्रुप निकलता है तो आप ये समझ के चलना कि आपकी जो भी फेलियर हुई है या जो भी अटेम्प्ट आपका लूज आउट हुआ है वो जस्ट बिकॉज की स्केलिंग हुई है, जिस वजह से हुआ है। देर इज़ नो प्रॉब्लम, जो आपने स्टडीज़ करी थी उसमें कोई समस्या नहीं है, जहाँ पर आपने जिस तरीके से एग्जामिनेशन दिया उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या हुई कि एक स्केलिंग का एक प्रोसेस होता है प्रोफेशनल कोर्स में, तो उस स्केलिंग की वजह से आपको पीछे रखा जाता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात एक ग्रुप देना है कि सर 2 ग्रुप देना है, आयुषी इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आपको लगता है कि आपका एक ग्रुप तैयार है और दूसरे ग्रुप को आप देना चाहते हो तो साथ में एड ऑन करके दे सकते हो। कंपैरेटिवली क्या होगा कि दोनों का एग्रीगेट आपको हेल्प करेंगे, बट ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार 2 नंबर से रुका है सर, मतलब मेरी पढ़ाई क्या उतनी मतलब उतनी अप टू द मार्क नहीं थी जिस वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, स्केलिंग होती है। ठीक है, स्केलिंग होती है, 10 से 15 नंबर का जो मार्जिन होता है, जब भी 10 से 15 नंबर में आपका ग्रुप रुकता है आप ये समझ के चलो आपका ग्रुप क्लियर हो चुका है। बस स्केलिंग के वजह से कुछ बच्चों को आगे किया गया और आपको इस अटेम्प्ट के लिए रोका गया है ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो 10-15 नंबर को एडिशनली गेन करो। दैट्स इट आयुषी, बाकी अगर 2-3 नंबर से रुक रहा है दैट इज़ ओके, अटेम्प्ट है, नेक्स्ट टाइम आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, दैट इज़ ये आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, आपको समझ में आया आयुषी बेटा? धनश्री, 2 सब्जेक्ट बचे हैं सर अब, और 6 मंथ लगेंगे अब।
तनिश्री बेटा, अभी क्या है कि देखो दो सब्जेक्ट्स आपका एग्जामिनेशन शायद आया था ना, आपने पूछा था। देखो क्या है बेटा कि दो सब्जेक्ट्स बचे हैं, दो सब्जेक्ट्स में आपको एग्रीगेट नंबर लेकर आने हैं। अब ये भी तो सोचिए पॉजिटिव, आप ये सोचिए कि आपके कुछ सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है। एग्जेम्प्ट जब सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो इट मीन्स आपकी स्टडी, आपका जो स्ट्रेटजी है टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, पढ़ने का तरीका है, दैट इज़ मतलब मिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे काम कर रहे हो, अदरवाइज आपको एग्जिबिशंस मिलना नहीं था। अब रही बात दो सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, दो सब्जेक्ट्स को जब पढ़ना है आने वाले अटेम्प्ट के लिए, बहुत अच्छा है बाइफरकेट करके पढ़ो, दो दो हिस्सों में चीज़ों को डिवाइड कर लो। और स्कैनर्स पे ज़रूर फोकस रखना, स्कैनर्स के जो लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने पेपर्स को देने के लिए, ठीक है। धनिश्री बेटा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, जब आपने इतने सारे पेपर्स क्लियर कर लिए तो दो पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। आयुषी सर, एग्ज़ाम के बाद मैंने ग्रुप दो का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है था, अभी मेरा 75% सिलेबस हो गया है, तो मैं क्या अटेम्प्ट करूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, आपने अगर ऑलरेडी पहले से ग्रुप तैयारी करना शुरू कर दिया था तो बट ऑब्वियस है कि आप इस बार जो है अपने दोनों ग्रुप में बैठें, मोर फोकस आपका सेकंड ग्रुप पे रहना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। 2 मार्क्स कुछ नहीं होते बेटा, 2 मार्क्स तो इधर से उधर आ जाते हैं। दैट इज कंसेप्ट बेस्ड, आपकी पैकिंग नहीं हुई है, आपका जो हुआ है वो प्रेजेंटेशन में, कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन में थोड़े से नंबर कम हुए जिस वजह से वो ग्रुप नहीं निकला। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आयुषी आप दोनों ग्रुप के लिए जाओ एंड दोनों ग्रुप दो, अभी लंबा वक्त है, दिसंबर आने में वक्त है, अभी रिजल्ट है। आज का दिन थोड़ा सा डाइसी होने वाला है सबके लिए, जो जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा डाइसी होने वाला है, बिकॉज देखो रिजल्ट है, अगर अच्छा नहीं आता, फेवर में नहीं आता, हम भी थे अपने टाइम पे, तो बुरा लगता है, बट ऑब्वियस है वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट द थिंग इज कि अपने नर्व्स को कंट्रोल रखो और चीज़ों को आज का दिन रिलैक्सेशन में छोड़ दो। अब देखो रिजल्ट को तो हम नहीं चेंज कर सकते, वॉट वी कैन डू इज भी रिलैक्स रहते हैं, कल से आते हैं अगेन, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप से पढ़ाई शुरू करते हैं, स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। देखो इस एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा फंडा है कि प्रेजेंटेशंस आपकी कैसी है, आपका जो प्रिसाइजिंग है, प्रिसाइज आंसर देने का तरीका है, वो ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप प्रिसाइज वे में आंसर देते हो। समझ में आ रही है आयुषी बेटा? एंड धनिश्री आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, क्वेश्चन आया किसका, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सेप्ट फेलियर एंड कम स्ट्रॉन्गर? मयंक, करेक्ट। देखो बेटा क्या है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना हर किसी की बात है नहीं, लेकिन अगर आप जैसे मेरा एक बहुत बड़ा, मैं हमेशा एक कोटेशन देता हूँ और बच्चों को बताता हूँ कि देखो फेलियर जैसा कुछ होता है नहीं लाइफ में, अटेम्प्ट्स जो हैं वो रियलिटी हैं, फेलियर जैसी कोई भी चीज़ है नहीं। अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया जिसमें आप फेल हो गए, जैसा आप सोचते हो फेल हो गए, लेट सपोज़ नहीं क्लियर हुआ, तो एग्जामिनेशन क्लियर ना करना और उस एग्ज़ाम को अचीव करने में बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है, उसी को हम लोग अटेम्प्ट्स बोलते हैं। तो ओवरकम करने की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सिर्फ सिर्फ अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए, हर एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी पॉजिटिव का एक छोटा सा गण होता है जिसको हमको सोचना चाहिए। लेट सपोज 150 नंबर चाहिए थे, आपके 130 नंबर आए, अब इसकी नेगेटिविटी ये है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि यार मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपने जो 3 से 4 महीने पढ़ाई की उसमें 130 नंबर गेन किए आपने, दैट इज़ द पॉजिटिव साइन। अब इसका अनदर पॉजिटिव साइन ये है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर्स के लिए पढ़ना है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको उस फेलियर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फेलियर एक्चुअली है ही नहीं, फेलियर्स जैसा कुछ होता नहीं है। अटेम्प्ट्स देते रहोगे, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, आप अटेम्प्ट्स देते रहो, कीप ऑन अटेम्प्टिंग। वन डे आएगा जहाँ पर आप उस अटेम्प्ट को क्लियर करोगे और अपनी जो भी आगे वाली जर्नी है उसको पूरा करोगे। इन केस आपको लगता है कि अटेम्प्ट आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप फेलियर हो या आप फेल हो रहे हो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग टू थिंक अबाउट, है ना। तो थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा, बस सारा खेल थॉट प्रोसेस का है मैं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना रिलैक्स रहोगे, जितना काम डाउन रहोगे ना, उतना परफॉर्मेंस देने में ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा
ज़्यादा इफेक्टिव परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। ठीक है मयंक बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं है, फेलियर यार हम सब फेल हुए हैं यार, कितने अटेम्प्ट्स लग गए हमें सीएस बनने के लिए, बहुत सारे सीएस ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे हैं जो 40 की एज में कंप्लीशन करते हैं, दैट डजंट मीन कि यार वो कहीं से भी पीछे हैं, है ना। तो सिर्फ थॉट प्रोसेस का खेल है, सारा खेल थॉट प्रोसेस का है। आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। फेल होना, पास होना, एक ये तो लाइफ का हिस्सा है यार, होते रहते हैं, बिल्कुल भी इसको सीरियसली तो लेना ही नहीं चाहिए। माइंड को जितना फ्री रखोगे ना लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे लाइफ में। ठीक है बेटा मयंक, आई होप थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आई हैं। प्रियंका या फिर कैसे निकला और CRB? देखो बेटा, प्रियंका का एक सवाल है, RCD का पेपर कैसे निकला और CRB। देखो प्रियंका, क्या है बेटा कि कैसा पेपर, कौन सा, किस तरीके का पेपर को कैसे निकालना है, किसी का भी कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है। ऑल जो सब कुछ मिलाकर एक चीज़ आती है कि आप जो हैं लाइफ में, जब आप अपने एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, तरीका क्या चूज़ कर रहे हैं, द वे यू आर चूजिंग योर पेपर, किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, वही तरीका सही है उस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो किसी का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता कि सर ये पेपर कैसे क्लियर करेंगे। अब जैसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है या एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो एडवांस टैक्सेशन का एक सब्जेक्ट है या एक कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, अब दोनों सब्जेक्ट का कंपैरेटिव करोगे तो एक सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, एक में आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। कोर सब्जेक्ट के पीछे भागोगे तो कोर की तरीके से तैयारी कर पाओगे, वही आपका मेन फंडा है उस पेपर को निकालने के लिए। यही तरीका है, ऐसा कोई फास्ट रूल कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस पेपर को कैसे निकालना है, कोई भी टीचर आपको ये तरीका नहीं बता सकता। ये बता सकता है कि आपको की अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पेपर की, जिसकी अप्रोच सही समय पे, सही वक्त पे, सही जगह पर बैठ जाती है, वो पेपर आपका क्लियर हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, हाउ यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ पेपर। ठीक है बेटा प्रियंका, समझ में आया? मयंक का रिप्लाई आया है, सर हाउ टू हैंडल सोशल प्रेशर वेयर इफ़ माई फ्रेंड हैज़ क्लियर हिज ग्रुप एंड आई फेल, देर इज़ अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, फ्रेंड सर्कल के रिड्यूस करना इज़ अ गुड मूव फॉर बेटर फोकस। देखो करेक्ट है, बहुत ही सही थाट है ये दिस। आप ये सोच रहे हो कि मयंक बेटा कि ये जो आपका जो माइंड है, ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है, मैं भी अपने वक्त में ये सोचता था। देखो पहली चीज़ तो ये समझो कि आपका फ्रेंड ने अगर पेपर क्लियर कर लिया और आप फेल हो गए, फेल तो हुए ही नहीं, आपने अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ। अगर आपका फ्रेंड क्लियर कर चुका है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, अपने आपको इतना हिम्मत रखो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाओ, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तो आपकी यहीं पर है। दूसरी चीज़, उस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आ गया है तो उस पर्सन की प्रॉब्लम है। पर्सन की प्रॉब्लम कैसे है, अगर वो छोटी सी अचीवमेंट, एक ग्रुप निकालना है तो छोटा सा अचीवमेंट, बिकॉज इट इज़ अ अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा जाना है लाइफ, 25-26 साल तक की तो है नहीं, सिर्फ CS तक ही तो लाइफ है नहीं। अगर उस पर्सन का बेटा बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उस पर्सन की प्रॉब्लम है कि वो छोटे से भी सक्सेस को ले नहीं पा रहा। सक्सेस को लेना अपने आप में एक टैलेंट होता है, आपकी जो तारीफ करते हैं लोग या आपको कुछ अप्रिशिएट करते हैं, उसको लेना पॉजिटिवली, क्योंकि लोग उसको ले नहीं पाते और वो उससे अबव निकल जाते हैं, और जिस वजह से वो उनका बिहेवियर इश्यूज आते हैं, बिहेवियर में चेंज आते हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड सर्किल रेडी, अब तीसरी चीज़ आपकी, फ्रेंड सर्किल को रिड्यूस करना इज़ अ गुड मूव। देखो फ्रेंड सर्किल को, फ्रेंड जैसी चीज़ कोई होती नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू मानोगे तो फ्रेंड जैसी चीज़ बेटा कोई होती नहीं है। बहुत रेयर फ्रेंड्स होते हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप मूव ऑन करते हो, जिनके साथ आप लाइफ लॉन्ग रहते हो। फ्रेंड सर्किल आप कभी नहीं रिड्यूस कर सकते, आप अपने आप को उस सर्किल में डालने के लिए रिड्यूस कर सकते हो। फ्रेंड सर्किल रिड्यूस करने का मतलब आप किसी को अच्छा, किसी को बुरा नहीं बता सकते, आप उनकी तरफ अपना जो समय बिता रहे हो उसको कम कर सकते हो, उससे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी। और जब प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी तो आपको पता होगा पहली प्रायोरिटी आपको पढ़ाई को देनी है, फैमिली को देनी है, एंड जो बच जाता है समय वो आपको फ्रेंड्स को देना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है बेटा मयंक, समझ में आ रही चीज़ें? थैंक यू, योर वेलकम बेटा। श्रुति, गुड इवनिंग बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रुति, आपका पोस्ट भी शेयर किया था, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वेरी गुड। तो आप लोग सवाल पूछते रहें, जिनको भी जो डाउट्स हैं वो पूछते रहिए, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चंस जो पूछते हैं बच्चे जब मुझसे, क्योंकि देखो रिजल्ट आने के बाद एक बड़ा सवाल, देखो जिनका क्लियर हो जाता है उनके लिए कोई भी सवाल मान्य नहीं रखता आज।
हाय बेटा अश्मिता, हाय अश्मिता, तो उनके लिए कोई सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। देखो, जो लोग अटेम्प्ट्स को क्लियर नहीं कर पाते, एग्जाम्पल्स देखो, हम सब आपके एग्जाम्पल्स के तौर पर देखो यार, कि हम लोगों ने पहले पहले अटेम्प्ट में चीज़ें क्लियर नहीं कर ली। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट ओनली एग्जामिनेशन, इट्स नॉट ओनली कंपनी सेक्रेटरी, इट्स ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में कि सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन और ये सब चीज़ें नहीं है। एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को ग्रो करते हो, अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते हो, अर्निंग करते हो, फाइनेंशियली ग्रो करते हो, सोशली खुद को ग्रो करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें, टैलेंट स्किल्स शो करते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी परफॉर्मेंसेस करते हो, तो दिस इज़ लाइफ। एंड सिर्फ और सिर्फ CSE सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। CS हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है दैट डजेंट मीन यू आर अ फेलियर, इट्स जस्ट बिकॉज कि आप उस जगह पर सेट नहीं हो रहे, तो आपको दूसरा करियर चूज़ कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है तो। दैट इज़ जस्ट अ थाट, ओनली अ थाट विच कैन मेक यू थिंक पॉजिटिवली, और द थिंग आपको निगेटिवली भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। मयंक, यो वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, आप बहुत ज़्यादा मत सोचो यार, ये इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ थिंग्स। आप अपने जो भी चीज़ें आप कर रहे हो लाइफ में, करते रहो उसको, चलता है, आते हैं लोग, आते हैं जाने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी का बिहेवियर आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है तो होने, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप अपनी जगह पर सही हो। अदर लोग क्या कर रहे हैं उनको वो करने दो, बट आप अपनी जगह पे सही रहो। वो उनका थॉट प्रोसेस है कि वो छोटी सी अचीवमेंट को नहीं कंसीडर कर पा रहे। बाकी बेटा आप लोग पूछते रहो, कोई भी डाउट आपको लगता है, आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई थॉट लग रहा है, फिर अटेम्प्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, उस वजह से आपको जो थॉट आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हूँ यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों के लिए। बाकी आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ धीरे धीरे। हाय बेटा सूरज, हाय हाय आशा, हाय। ये सेशन बेसिकली मैं बता दूं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं, ये सेशन बेसिकली उनके लिए, या नॉर्मली भी कोई भी अपने सवाल यहाँ पे पुट कर सकता है। जब भी रिजल्ट आता है, जैसे 25th ऑफ अगस्त है, रिजल्ट आता है कंपनी सेक्रेटरीज का, बट ऑब्वियस सा डे है ये हम सब के लिए, ख़तरनाक होता है, बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, वो रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से आपका थॉट होता है। इसलिए मैं लाइव आया, क्योंकि बहुत सारे जो कॉल्स हैं उनको रिसीव कर नहीं पा रहा था, और एक साथ मैंने सोचा एक वीडियो के फॉर्म में, एक लाइव सेशन के फॉर्म में, एक लाइव क्वेरीज को रिसॉल्व करा दूँ। आशा सर, अगर मेरा 16 मार्क्स से ग्रुप 1 रह गया एग्जीक्यूटिव में, तो क्या मैं रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ेंगे? बेटा आशा, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि रीचेकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर नंबर बढ़ते नहीं हैं। मैंने अभी, आप शायद बाद में आए थे, मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि बेटा जिनका 10 से 20 नंबर में ग्रुप रुक जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, उनके साथ समस्या ये होती है कि गलती उनकी नहीं होती, एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्सेज का एक कैटेगरी होती है, क्राइटेरिया होता है, जिसमें उनको स्केलिंग करनी पड़ती है। स्केलिंग करने के लिए जिन बच्चों के 160-170 नंबर आए होते हैं, उन बच्चों की स्केलिंग होती है 10 से 15 नंबर की, और वो सीधे आ जाते हैं पीछे 145, 148, 150 से कम पर आ जाते हैं, मतलब जो भी 50% का एग्रीगेट होता है उससे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, जिस वजह से वो मात खा जाते हैं। एक्चुअली वो क्लियर कर चुके होते हैं, बट स्केलिंग के एक प्रोसेस की वजह से उनको पीछे आना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक आशा कि आपका रीचेकिंग वुड मेक एनी डिफरेंस, इट जितना भी नंबर आया है वो दैट विल, मतलब 99% चांसेस होते हैं कि वो इंक्रीज नहीं होता। आप चाहते हो तो अपने मार्कशीट्स मंगवा लो, अपने कॉपी मंगवा लो, और देख लो कि आपने कहाँ पर किस तरीके की गलती करी हुई है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रीचेकिंग वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, अगर आप अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। एक्चुअली कॉन्फिडेंस का भी खेल नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक डिस्क्रिशन होता है, जब मेंबर्स कॉपी चेक करते हैं, जब प्रोफेशनल्स कॉपी चेक करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन की जो लैंग्वेज होती है वो उनके डिस्क्रिशन पे होती है कि वो कहाँ पर उसको सही समझ रहे हैं और कहाँ पर उसको गलत समझ रहे हैं। तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी सिचुएशन पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला आशा बेटा। सो आई थिंक आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय लगता है, 25 से 30 दिन लग जाता है चीज़ें वापस आने में। सो आई थिंक आपको मूव करना चाहिए, ठीक है बेटा। और किसी के कोई सवाल हो, कोई बात करना चाहता हो मुझसे, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
रिजल्ट आ गया है, बट ऑब्वियस है अगर कोई भी थॉट है, कोई भी माइंड है कि ये जो आपको नहीं समझ में आ रहा सर अब किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से नहीं करना है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूर वेलकम आशा बेटा, यूर वेलकम। बाकी अभी आज का दिन है, जिनका क्लियर हो गया है और उनके लिए बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो लोग थोड़ा सा देखो क्या है कि फेलियर है या अटेम्प्ट रुक गया, मार्क्स नहीं क्लियर हुआ, बट ऑब्वियसली आपके साथ वालों का क्लियर हो गया, आपका नहीं क्लियर हुआ तो बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है। बट देखो क्या है कि छोटी सी प्रॉब्लम है यार, लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, अब इसको लेकर आप बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब एक छोटी सी चीज़, लाइफ तो बहुत बड़ी है, एन नंबर ऑफ चीज़ें आपको करनी है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और थॉट प्रोसेस को चेंज करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करो कि ये फेलियर नहीं है। सोचो इंडिया में कितने बच्चे, इंडिया नहीं अब तो फॉरेन में भी कितने बच्चे इस कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं और कितने लोग उसको क्लियर कर पाते हैं। आप उतने लोगों में से हो जिन लोगों ने एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, है ना। अटेम्प्ट करना ही अपने आप में एक कंपटीशन में जीतना होता है, बैठना ही अपने आप में जीत होता है। तो बिल्कुल मत सोचो आप वैसे ही, आप 125 करोड़ की जनता से वैसे ही अलग हो कि आपने इतने बड़े कॉम्पिटिशन का पार्ट होने का सोचा, तो ऐसी चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। हेलो अंकिता बेटा, हेलो अंकिता। तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनश्री, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रियली मैटर करते हैं क्या इन फ्यूचर? नो बेटा धनश्री, ये सवाल बहुत बच्चे पूछते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं फ्यूचर में, बिल्कुल नहीं करते। अटेम्प्ट्स का रोल है, बट उसके साथ जो स्किल्स आप इनहेल करते हो, जो स्किल्स आपके अंदर होती हैं, या जो आपका टेम्पलमेंट होता है, जो बात करने का तरीका होता है, जो आपकी नॉलेज होती है ना, वो मैटर करती है। अटेम्प्ट्स कभी मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है, बट अटेम्प्ट्स कभी भी मैटर नहीं करता। आप अगर, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बनना, मेंबरशिप को अचीव करना, एक प्रोफेशनल बनना, ये अपने आप में एक समझ लो आपको सोसाइटी से अलग बनाता है। प्रोफेशनल जब आप बनते हो तो एक नॉर्मल इंसान से आप खुद अलग हो, तो उसमें अटेम्प्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा हमेशा से ये मानना है और हमेशा से ये फैक्ट है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर नॉट द थिंग जो मैटर करते हैं इस प्रोफेशन में। धनश्री आप बिल्कुल इससे टेंशन मत लो, नहीं करते ऐसा कुछ। आप कितने भी अटेम्प्ट्स में क्लियर करोगे दैट इज़ ओके। कंपनी सेक्रेटरी बन गए ना, प्रोफेशनल बन गए तो ऑलरेडी आपकी वर्थ, आपकी रेपुटेशन मार्केट में बनेगी। हाँ, साथ में नॉलेज होना, प्रेजेंटेबल होना और जिस तरीके से आप अप्रोच करोगे करियर में वो होना ज़रूरी है। अटेम्प्ट्स कोई नहीं देखता आने वाले वक्त में, ठीक है, तो वो टेंशन मत लो आप। बाकी किसी को भी कोई समस्या लग रही है, कोई थॉट की समस्या लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी क्लैरिटी नहीं हो रही कि यार करें क्या, क्या ना करें लाइफ में, क्योंकि रिजल्ट आ गया है, मेरे दोस्तों का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, क्या करा जाए। देखो उनका हो गया, अगले अटेम्प्ट में वो पेपर देंगे। अब आप देखो, रुकना नहीं, रिजल्ट बदलने नहीं वाला, रिजल्ट किसी भी कीमत पे बदलने नहीं वाला कि अब आज का दिन वापस ले आए, 11 बजे वापस आ जाए, 2 बजे वापस आ जाए कि रिजल्ट जाकर चेंज करते हैं। रिजल्ट नहीं चेंज होना, चेंज क्या कर सकते हो, थॉट चेंज करो और मूव करो और दो आगे आने वाले अटेम्प्ट्स को। 2 दिसंबर बगल में आने वाला है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू करना, नेक्स्ट अटेम्प्ट्स की तैयारी करना। तैयारी कैसे करना है, बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े, प्रिपरेशन स्कैनर्स हमेशा सजेस्ट करता हूँ, स्कैनर्स लो, उसके साथ पढ़ो, क्योंकि क्वालिटी ही मैटर करती है, प्रिसाइसनेस ही मैटर करता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ों को भी आपको इंडल्ज नहीं करना होता है, ठीक है। बाकी जनरल क्वेश्चंस भी कोई पूछ सकता है, अगर किसी को लाइफ की प्रॉब्लम लग रही है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है रिजल्ट्स रिलेटेड, आप पूछो, क्योंकि ये सेशन उन्हीं के लिए है, क्योंकि हर एक बच्चों को कॉल पे मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ऊपर से थोड़ी सी इंजरी भी हो रखी है मुझे हाथ में, सो उस वजह से थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था। रितेश, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ और आप लोग इस सेशन को पब्लिश भी कर दूँगा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। जिसको भी समस्या हो तो उस वीडियो को दोबारा से जो है देख सकते हैं, वहाँ पे जो सवाल, जो लोग नहीं इसको ज्वाइन कर पाए वो वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इंस्टाग्राम आपको पता ही है मेरी आईडी, व्हाट्सएप पे नंबर है ही आप लोगों के पास, यूट्यूब पे चैनल मेरा पता ही है, आप लोग वहाँ पूछो सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, और जनरल क्वेरीज भी पूछ सकते हो सीएस के अलावा, बिकॉज मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इस वक्त में कॉल्स रिसीव करने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी, इसलिए मैं सेशन मैंने एक अर्जेंटली लिया हुआ है।
किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं मुझे, अदरवाइज़ मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। और आई होप सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों की। कोई और क्वेरी लगती है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई इशू है नहीं। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी समस्या लग रही हो कि यार अभी क्या है क्या नहीं है, पूछ सकना है। जिसको जिसको रिज़ल्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं आप पूछ सकते हो, कोई समस्या वाली बात है नहीं। रिज़ल्ट आ चुका है तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। जिनका क्लियर हो गया है मैंने कहा उनके लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ी सी समस्या होने वाली है, बट ठीक है, चलता है यार, अटेम्प्ट है, चलता है। बहुत हम लोग को भी बहुत समय लगा, होता है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। यार नहीं हुआ तो क्या करना है, बस समझ लो कि एक अटेम्प्ट है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, उसमें होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, बाकी कोई भी हो समस्या हो, कोई भी थॉट हो, पूछ सकते हैं, आप लोग फ्री हैं पूछ सकते हैं। सो 5 मिनट और हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, जिनकी भी जिनको भी कोई प्रॉब्लम लग रही है पूछ लो। और एक सवाल था, एक सवाल और बच्चे का आया था प्राइवेटली, क्या सवाल है, हाँ, कि एक ग्रुप में सर रुक गया है तो कैसे दूसरे ग्रुप में साथ में दे सकते हैं। हाँ, बट मैंने बताया बेटा, आप थे नहीं शायद उसमें, मैंने बताया कि अगर आपका एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है और अगर आपको लग रहा है कि यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए तो आप दे सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि यार आप दे रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पर पहुंची हुई है, तो वो आपके ऊपर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है देने के लिए। अगर आपका बहुत कम नंबर से रुका हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा नंबर से रुका है, 20-25-30 नंबर से अगर आपका ग्रुप रुका हुआ है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड दो ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, फिर आप एक ग्रुप में कंसिडर करके अपने आप को दे सकते हो। दिसंबर दूर है, अब बहुत ज़्यादा समय वाली बात भी नहीं है, आपके पास 3 से 4-5 महीना है, आप आराम से उसको जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो गाइस मैं निकलता हूँ, अब ऑडियंस भी हो गई है कम, आई होप आप सबकी क्वेरीज रिजॉल्व की होंगी। मैंने बहुत जल्दी मिलता हूँ किसी नए सेशन में, और इस सेशन को मैं जो है अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, आप उसको देख लेना, बाकी क्वेरीज पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग एंड टेक केयर, टाटा।